तूफान ताऊते ने देश के तटवर्ती राज्यों में भयंकर कोहराम मचाया। इस तूफान की वजह से समंदर के किनारों पर तो नुकसान हुआ ही, समंदर के भीतर भी बड़ा हादसा हो गया। भारत की नवरत्न कंपनियों में शामिल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC के तेल के कुओं पर काम करने वाले कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए। इस दुर्घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इनमें से एक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहे लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्हें नहीं बचाया जा सका। 50 से ज्यादा ONGC कर्मचारी अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन तेल के कुओं पर काम करना क्या वाकई इतना रिस्की है? लोग वहां जान की बाजी लगाकर काम करते हैं। तेल के रिग या कुओं के ऊपर बने प्लेटफॉर्म पर काम करने का तरीका क्या है, आइए सब कुछ जानते हैं। 17 मई को जब ताऊते नाम के तूफान ने अरब सागर में रफ्तार पकड़ी, तो इसकी चपेट में ONGC के तेल के कुओं पर काम करने वाले लोग भी आ गए। एक अनुमान के मुताबिक इन पर तकरीबन 800 लोग काम कर रहे थे। हवा की रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। समंदर में 30 फीट तक ऊंची लहरें उठ रही थी। इस सबके बीच 800 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसे मौके पर भारतीय नौसेना ने एक साहसिक बचाव अभियान चलाया। तेज हवा और ऊंची लहरों के बीच भी नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। लेकिन अभियान की लाख कोशिशों के बावजूद 89 लोग लापता हो गए। इनमें से 36 लोगों की लाशें नौसेना ने समंदर से खोजी, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों की तलाश अब तक जारी है। ये देश में समंदर के बीच हुई अपनी तरह की बड़ी दुर्घटना है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि तेल के कुओं पर इतने लोग क्या काम करते हैं और ऑयल रिग में काम कैसे होता है? दुनिया भर में समंदर की तली से तेल निकालने के लिए काम होता है। ये तकनीकी रूप से मुश्किल काम है। तेल के कुओं से तेल निकालने के सिस्टम को समझने के पहले इस कुओं के हिस्सों को समझना होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तेल के कुएं पूरी तरह से समंदर पर तैरते हुए स्ट्रक्चर हैं, मतलब जब चाहे सब कुछ समेट कर किनारे लगाए जा सकते हैं। हालांकि तेल के कुओं में बरसों तक काम चलता है। मूल रूप से तेल के कुओं में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक हिस्सा वो जहां तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग वाला काम होता है, दूसरा वो जहां काम करने वाले लोग रहते हैं। इसे ONGC के तेल के कुओं से समझते हैं। इसका एक हिस्सा है सागर भूषण ऑयल रिग, मतलब वो हिस्सा जिस पर कुएं से तेल निकालने का काम होता है। यहाँ पर ड्रिलिंग का काम होता है, कच्चा तेल निकालकर प्रोसेस होने के लिए आगे भेज दिया जाता है। यही तेल ऑयल रिफाइनरी में पहुंचकर हमको आपको डीजल पेट्रोल आदि के रूप में उपलब्ध होता है। दूसरे हिस्से हैं बार्ज P305, कार्गो बार्ज GAL कंस्ट्रक्टर, बार्ज SS3। इस हिस्से में बार्ज P305 और बार्ज SS3 पर लोग रहते हैं। कार्गो बार्ज को माल ढुलाई के लिए रखा जाता है, मतलब कच्चे तेल को किनारे तक लाने या भारी मशीनरी को तेल के कुओं तक पहुंचाने जैसा काम इससे किए जाते हैं। इस पूरे तामझाम को संभालने के लिए 800 लोगों को रखा गया है। तेल के कुओं में काम करने के तरीकों को समझने के लिए हमने ONGC के कुओं में काम कर चुके एक अधिकारी से बात की। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर हमें तफसील से इसके बारे में बताया। किसी भी तेल निकालने वाली कंपनी में दो तरह के लोग काम करते हैं, एक ऑनशोर और दूसरे ऑफशोर। ऑनशोर मतलब ऐसे लोग जो समुद्र तट पर रहकर काम करते हैं, ऑफशोर बोले तो समुद्र की लहरों पर सवार होकर काम करने वाले। कंपनी अपने किसी भी इंजीनियर को ऑनशोर या ऑफशोर काम करने के लिए भेज सकती है, अपनी मर्जी से ड्यूटी की रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती। ऑनशोर काम करने वालों को ज्यादातर ऑफिस वर्क करना होता है, हालांकि लोडिंग अनलोडिंग जैसे कई काम होते हैं जो ऑफिस से बाहर होते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि के महत्वपूर्ण काम भी होते हैं, मतलब ऑफिस वर्क है। ऑफशोर काम करने वाले तेल के कुओं पर ड्रिलिंग से लेकर तेल को प्रोसेस करने का काम करते हैं। ये लोग अपना काम होने तक स्थायी तरीके से तेल के कुओं पर ही रहते हैं। ONGC जैसी कंपनी में हर ट्रेड के इंजीनियर तेल के कुओं पर काम करते हैं। इनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर और IT इंजीनियर कम होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियर्स की संख्या ज्यादा होती है। इसके अलावा मैनेजमेंट के भी कुछ लोग ऑफशोर ड्यूटी पर भेजे जाते हैं। हर तेल कंपनी का काम करने का सिस्टम अलग अलग होता है, लेकिन हर ऑफशोर लोकेशन पर ऑन ऑफ ड्यूटी का सिस्टम होता है। ऑन ऑफ ड्यूटी का सिस्टम बोले तो आधा महीना काम आधा महीना छुट्टी। अगर ONGC की बात करें तो इसमें दो तरीके के ऑन ऑफ वर्किंग पैटर्न है। एक है 14 दिन का ऑन ऑफ, मतलब 14 दिन काम और 14 दिन घर। दूसरा है 21 दिन का ऑन ऑफ, इसमें 21 दिन काम और 21 दिन की छुट्टी। जितने दिन ऑफशोर रहते हैं उनमें कोई छुट्टी नहीं होती। कर्मचारियों को घर से रिग या तेल के कुओं तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी ONGC की रहती है। मान लीजिए कि कोई ऑफशोर काम करने वाला कर्मचारी दिल्ली में रहता है, उसे अरब सागर में स्थित तेल के कुएं पर काम करने भेजना है। कंपनी पहले कर्मचारी को दिल्ली से मुंबई बुलाती है, उसके बाद कर्मचारी मुंबई से हेलीकॉप्टर में सवार होकर ऑयल रिग पर पहुंचता है। इसका पूरा खर्चा कंपनी उठाती है।
कंपनियां कर्मचारियों के ऑफशोर रहने के लिए एक छोटा तैरता हुआ शहर बसाती हैं। दुर्घटना का शिकार हुए ONGC के बार्ज P-305 और बार्ज SS-3 ऐसे ही रिहायशी हिस्से थे। इसमें रहने के लिए डबल और ट्रिपल बंक बेड यानी जो सीढ़ियों वाले बिस्तर होते हैं एक के ऊपर एक की व्यवस्था रहती है। बड़े अधिकारियों के लिए सिंगल बेड की व्यवस्था होती है। जो लोग इन तेल के कुओं पर काम करते हैं वो यहीं रहते हैं। खाने पीने के लिए सप्लाई लगातार तटों से बनी रहती है। ऑफशोर काम कर चुके कर्मचारी बताते हैं कि खाने पीने को लेकर वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहाँ किचन में कोई खाना पकाया नहीं जा सकता, फ्रोजन फूड ही इस्तेमाल किया जाता है। मनोरंजन के लिए टीवी रूम, चेस, कैरम, लूडो जैसे गेम्स होते हैं। बार्स पर जिम की व्यवस्था भी होती है। कर्मचारी दिन और रात की शिफ्टों में काम करते हैं। ONGC की ऑफसाइट या तेल के कुओं पर काम करने वाले मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। प्राइवेट कंपनी भी ऐसी इजाजत नहीं देती। ऑयल रिग पर बहुत से काम गोपनीयता के होते हैं। कंपनियां सुरक्षा के दृष्टिकोण से वीडियो आदि शूट नहीं करने देती। लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं लेकिन इंटरनेट की सीमित सुविधा ही होती है। कंपनी का इंट्रानेट होता है, इस पर लिमिटेड वेबसाइट्स ही चलती हैं, सोशल मीडिया साइट्स नहीं चलती हैं। ऑफशोर काम करने वाले हर कर्मचारी को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। सरकारी तेल कंपनियां तो अपने यहाँ ट्रेन करते ही हैं। प्राइवेट कंपनियां कुछ एजेंसियों के जरिए अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलाती हैं। कर्मचारियों को दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। पहली ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उससे बाहर निकलने की होती है। दूसरी ट्रेनिंग पानी में खुद को सर्वाइव कैसे करें इस चीज़ की दी जाती है, मतलब अगर पानी में गिर जाएं तो मदद मिलने तक कैसे खुद को बचाए रखें। ये मूल ट्रेनिंग है। इसके अलावा ऑफशोर कर्मचारी लगातार अलग अलग तरह की ड्रिल्स करते रहते हैं। ONGC में काम करने वाले ऑफशोर कर्मचारियों को ऑनशोर या तट पर रहकर काम करने वाले से 40% तक ज़्यादा सैलरी मिलती है। अगर कोई कर्मचारी तेल के कुओं पर रहते हुए 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसे ओवरटाइम भी दिया जाता है। ऐसा ही सिस्टम प्राइवेट कंपनियों में भी होता है। ये थी जानकारी ऑयल रिग में काम करने वाले लोगों से जुड़ी। कैसी लगी आपको ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी अमित मिश्रा ने। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।